मुंह पर रुमाल बांधे इस शख्स को देखिए, ये है पानीपत रेलवे के डिवीजन मेडिकल ऑफिसर। इन पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोहित कुंडू रेलवे के पैनल के प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक से बिल पास करवाने के एवज में पैसे लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में मरीज रेफर करने के बदले भी पैसों का डिमांड करते हैं और इसी केस में इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेडिकल ऑफिसर रोहित कुंडू ने रेलवे पैनल में आने वाले एक हॉस्पिटल के संचालक से बिल पास करने और मरीज को उनके हॉस्पिटल में रेफर करने के एवज में 15 लाख रुपयों की डिमांड की थी, लेकिन किसी तरह इस डील को 5 लाख पर फिक्स किया गया और पैसे लेने की जगह पानीपत के जीटी रोड पर हनु स्वीट्स के सामने वाली जगह को रखा गया। जब मेडिकल ऑफिसर रोहित कुंडू वहां पैसे लेने अपनी गाड़ी से पहुंचे तो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर सुमित सरोहा ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को पानीपत जीटी रोड पर हनु स्वीट्स के पास पैसे लेकर आने को कहा गया था। शिकायतकर्ता ने 5 लाख रुपए मेडिकल ऑफिसर को दे दिए और जब तक वो उस पैसों को गिन कर रखता तब तक वहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास एक कंप्लेनेंट आए जिनका हॉस्पिटल का प्रोफेशन है, तो उन्होंने हमें कंप्लेंट दी, लिखित में एक कंप्लेंट दी हमें कि ऐसे ऐसे हमारा जो इम्पैनल है रेलवे के साथ हमारे हॉस्पिटल का, और जो डॉक्टर यहाँ रेलवे की तरफ से जो डॉक्टर डेप्यूट है डॉक्टर रोहित कुंडू, वो उनके बिल्स वगैरह क्लियर करवाने के लिए और पेशेंट को रेफर करने के लिए इनके हॉस्पिटल में, वो उसके एवज में उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो लगभग उन्होंने 15 लाख के करीब डिमांड की थी, जो आज सेटलमेंट 5 लाख में हुई थी और जो हमने इनको रेड हैंडेड 5 लाख लेते हुए गिरफ्तार किया। ये हमने इंडिपेंडेंट विटनेस को लिया साथ में, हमारे जो एसडीओ साहब हैं वो इंडिपेंडेंट विटनेस थे इसमें, और शैडो विटनेस को साथ में लिया, रेडिंग पार्टी तैयार की गई और उसके बाद हनु स्वीट्स से जो ऑन हाईवे है हनु स्वीट्स के पास जीटी रोड पे ही गाड़ी में इन्होंने पैसे का लेन देन किया, जो शैडो विटनेस ने वहाँ पे मौके पे देखा भी सुना भी, और रेडिंग पार्टी भी तैयार थी, ट्रैप लगाया हुआ था, जैसे ही इन्होंने पैसे लिए उसी टाइम रेड करके इनको रेड हैंडेड किया गया। कौन सी बीमारी का इलाज सर करवाना चाहता है, ऐसी कौन सी बीमारी थी कि रेफर करने के नाम पे 15 लाख? ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और जो नॉर्दर्न रेलवे की यूनिट है पानीपत के अंदर उसमें डेप्यूट है एज ए डीएमओ मेडिकल ऑफिसर, और इनके पास जो भी रेलवे के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स या भाई कोई एम्प्लॉई है वो इनके पेशेंट जो है पैनल में हॉस्पिटल है इनके, उस पैनल में रेफर करने के लिए जो कंप्लेनेंट है उनका हॉस्पिटल भी रेलवे के साथ पैनल में है और वहाँ पे रेफर करने के एवज में इनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कब से ये यहाँ है? ये 2017 से इनकी पोस्टिंग यहीं पे है पानीपत यूनिट के अंदर। क्या नाम है? डॉक्टर रोहित कुंडू। इसमें कोई हॉस्पिटल में निकल गया जिससे नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई, कोई आएगी तो जरूर।